हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कान्हा जी क्रिएशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कान्हा जी की कोई ड्रेस नहीं, बट हाँ, ये आपको क्रोशियो के ये प्यारे प्यारे, ये देखिए, ये सारे प्यारे प्यारे फ्लावर्स बनाना बताऊंगी। इनको हम किसी भी अपने कान्हा जी की ड्रेस में, या हम बच्चों की वूलन, जैसे हम जैकेट बनाते हैं, या हम बच्चों के मोज़े बनाते हैं, या अपनी भी हम बूटीज़ बनाते हैं, कैप्स बनाते हैं, उसके अंदर हम इन फ्लावर्स को लगा सकते हैं। उनसे उन पे और चार चांद लग जाएंगे जब हम इनको उनके ऊपर लगाएंगे तो ओ हम। तो चलिए हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, और अपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो भी प्यारी प्यारी चीज़ें कान्हा जी के लिए, या और भी, मैं अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो मैं आपको क्रोशिए की, कान्हा जी की ड्रेसेस और बाकी चीज़ें भी बनाना सिखाऊंगी, तो वो भी घर पर बैठे बैठे आसानी से सीख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बुन ली है और इसके लिए मैंने 12 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया है। तो हम पहले एक नॉट लगाएंगे, ये देखिए, ऐसे क्रोशिया से लेकर ये हमने एक नॉट लगा ली है। हम एक दूसरे हाथ पे लपेटेंगे और इसमें हम 5 चेन्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमने 5 नॉट लगा लिए फ्रेंड्स। अब ये देखिए, जो सबसे फर्स्ट है, ये देखिए, सबसे फर्स्ट में ले जाकर हम इसको स्लिप स्टिच से ऐसे जॉइन कर देंगे। ये हमने इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया। अब हम इसमें फिर से 1, 2, 3 चेन बनाएंगे हम, और 2 हम एक्स्ट्रा लेंगे ऐसे। अब फिर से हम जाकर हम डबल क्रोशिया, ये देखिए, जिससे हमने स्लिप स्टिच किया था फ्रेंड, जहाँ से, उसी के अंदर, सेम के अंदर हम ले जाकर इसको फिर से डबल क्रोशिया कर देंगे, 1, 2। ये देखिए, हमारे एक ही स्टिच में 2 आ गए हैं। अब हम फिर से 2 चेन्स बनाएंगे, 1, 2, और हम अब हम जो इसकी जो नेक्स्ट चेन है फ्रेंड्स, ये देखिए, जो नेक्स्ट चेन है, इसके अंदर हम ले जाकर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब हम फिर से 2 चेन लेंगे, 1, 2, और फिर हम सेम स्टिच में, जिसमें हमने पहले किया था, सेम स्टिच में ले जाकर दोबारा से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर हम 2 चेन्स लेंगे, फिर जो इसका नेक्स्ट है, ये जो हमने यहाँ लिया था, इसका जो नेक्स्ट जो चेन है, हम उसमें ले जाकर इसको फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, और फिर 2 चेन्स, फिर एक बार फिर से फिर डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे एक में ही 2-2 होते जा रहे हैं। अब फिर हम 2 एक चेन बनाएंगे, और फिर हम इसको फिर जो नेक्स्ट है उसके अंदर ले जाकर फिर से हम एक में से ही 2 बार हमें करना है, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन्स, फिर एक बार डबल क्रोशिया। ये देखिए, फिर 2 चेन्स, और इसके अंदर भी हमने 2 बार कर लिया। हमारे पास 2, 4, 8 आ गया। हमारे पास लास्ट बचा है, इसके हम जो अब हमारी लास्ट जो बच्चा है उसके अंदर हम ले जाकर ऐसे इसको फिर से डबल क्रोशिया, 2 चेन्स, फिर उसी में डबल क्रोशिया। और 2 चेन्स, ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे पास आ गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हमारे पास ये डबल क्रोशियाज आ गए हैं। अब इसी ये जो हमने जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसके हम 2 चेन छोड़कर जो थर्ड चेन है, ये जो थर्ड चेन है, यहाँ पर हम ले जाकर इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे ऐसे। तो देखिए, ये हमारे पास 10 चेन्स ऐसे आ गई हैं।
अब हम फिर 1, 2, 3 ये हमारे पास एक डबल क्रोशिया हो गया आ गया फ्रेंड्स ऐसे। अब हम इसको ऐसे लेकर और ये जो हमारा नेक्स्ट ये है यहाँ पर, हम यहाँ पर इसको 4 बार करेंगे डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4 ये देखिए फ्रेंड्स ये 4 बार ये और एक ये जो हमने 3 चेन ली थी ऐसे ये 5 बार हो गया है। तो ये हमारा यहाँ हो गया 5। अब इसके बाद ये देखिए जो ये है हमारा फ्रेंड ये, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और इसको हम ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे डालकर फिर से हम यहाँ पर ऐसे इसको देखिए ऐसे इधर की साइड से हम डालकर और इसको हम फिर से यहाँ पर हम 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1, 2, 3 इसको क्रोकोडाइल स्टिच भी बोलते हैं फ्रेंड्स, 4 एंड 5 ये देखिए ये हमारा ऐसे हो गया। अब हम इसको सीधा करेंगे और ये देखिए जहाँ हमने 5 किया था उसके पास ये जो सर्कल है ये देखिए ये जो सर्कल हमारा बना था इसमें हम ये ले जाकर ये देखिए यहाँ पर इस सर्कल में हम ऐसे ले जाकर और यहाँ पर फिर से हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड जब हमने इधर से करा था तो हमने इसको ऐसे पकड़ा था, फिर यहाँ पर ये करने के अब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये जो इसका नेक्स्ट वाला है सर्कल के साथ जो ये नेक्स्ट वाला ये जो हमारा डबल क्रोशिया है ये वाला इसको हम ऐसे पकड़ेंगे ऐसे और इसमें फिर से हम 5 बार ऐसे पकड़कर और 5 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये देखिए ऐसे ये हमारा 5 आ गया। अब हम इसको फिर से ऐसे सीधा करेंगे, ये अभी तो हमने फ्रेंड्स ये जो 7 वाला था इसमें करा था, अब ये जो ऊपर जो हमने 2 चेन्स ली थी अब ये आया तो इसके अंदर हम फिर से 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5 अब ये 5 बार हो गया फ्रेंड्स। अब हम इसको देखिए फिर हमारा इधर से ये आ गई एक चेन जो हमारा डबल क्रोशिया, अब हम इसको फिर से ऐसे पकड़ेंगे यूं इस तरीके से और इसमें एक क्रोशिया डाल के फिर से हम इसको 5 बार करेंगे इधर, यही प्रोसेस हमें पूरा करते चले जाना है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 अब हम ये नीचे की साइड आए फ्रेंड्स, ये देखिए नीचे की साइड, तो फिर अब हम ये क्या करेंगे अब ये फिर सर्कल में हम ऐसे लेंगे और ये जो सर्कल में से ऐसे निकालते हुए हम एक डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे अपना, ये देखिए ऐसे। अब हमारे पास फिर अब ये इधर वाली ऊपर की साइड चेन आ गई है फ्रेंड, तो ऊपर की साइड जब हम आएंगे तो हम फिर इसको ऐसे पकड़ेंगे ऐसे और इसके अंदर हम फिर से 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1। तो ऐसे ही हम ये करते हुए जैसे मैंने कहा सेम ऐसे ही करते हुए हम पूरा प्रोसेस अपना यहाँ तक मैं अपना ये सर्कल कंप्लीट कर लूँगी बिल्कुल क्लोज। ये देखिए फ्रेंड मैंने अपना पूरा सर्कल यहाँ तक ही ऐसे पूरा कर लिया, जब हम यहाँ आएंगे तो ये देखिए ये जो हमने जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से हम इसको ये देखिए नीचे से 1, 2, 3 ये 3rd चेन में ले जाकर हम इसको यहाँ से ऐसे करके और स्लिप स्टिच से हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो ये हमारा फ्लावर ऐसे बनेगा, हम इसको ज्वाइन करके फ्रंट और हम यहाँ पर इसको एक लंबा धागा ऐसे लंबा करके इसको कट कर लेंगे
देखिए बहन, यहाँ से अब हम इसको बड़ा धागा कर कट कर लेंगे और इस धागे को हम ऐसे निकाल देंगे और इसको हम ऐसे कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे फ्लावर की शेप में हमारा ऐसे बनेगा यूँ। अब हम इसमें अपने निडल लेंगे, जो बड़ी निडल होती है इसमें हम इसको डालेंगे। और ये देखिए, इसको हम बैक साइड ले जाएंगे, ऐसे बैक साइड में ले जाकर और यहाँ से यूँ डालते हुए, देखिए ये जो हमने ये बनाए थे इसके अंदर से ऐसे डालते हुए हम इसको पीछे की साइड अपने धागे को ऐसे लेकर आएंगे। ये ऐसे ऐसे देखते हैं कि ज़्यादा खींचे ना, ये ऐसे हम इसको लेकर आएंगे और फिर हम यहीं से एक पॉइंट से इसको यहाँ पर बीच में लेकर जाएंगे, आगे फ्रंट पे लाएंगे। देखिए अब हम इसके कॉर्नर्स को मिलाएंगे ऐसे, इसको ऐसे एडजस्ट करते हुए फ्लावर को यूँ। इसके जो कॉर्नर्स हैं फ्रेंड, ये देखिए, इसके कॉर्नर्स को हम ऐसे ऐसे हम इसके कॉर्नर्स को सर्कल में ऐसे करते हुए पूरा अपना सर्कल कंप्लीट कर दिया ऐसे। और इसके ऊपर हम कोई भी पर्ल येरा या आपके पास कोई भी पैच हो तो आप वो इसके ऊपर लगा दीजिए, देखिए ऐसे। और इसको हम ले जाएंगे बैक साइड, इस तरीके से ये ऐसे हम इसको बैक साइड ले जाएंगे यूँ। और हम यहाँ पे इसको पीछे की साइड ले जाकर एक नॉट लगा देंगे इस तरीके से, और इसको हम निकाल देंगे। और ये जो हमारे पीछे स्टार्टिंग था इससे हम इसको ले जाकर नॉट लगा देंगे ऐसे, पक्का कर देंगे हम इसको। देखिए फ्रेंड्स, और एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे ऐसे। तो हमारा ये फ्लावर बनकर ये देखिए तैयार है। अब हम इसको अपनी किसी भी कान्हा जी की ड्रेस में, या हम बच्चों की जैकेट, स्वेटर, या जो भी हम चीज़, या डेकोरेशन में किसी भी चीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि हम इसको किसी भी चीज़ पर यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे सबसे पहले। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। राधे राधे।